बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो ख़ास बनाई गई है जानोमी मशीन 5002 मॉडल पर। इस मशीन का जो आज है मेथड हमारा है जिसके मतलब वीडियो है वो है आपने मशीन के अंदर धागा किस तरीके से डालना है और आपका जो बिल्कुल परफेक्ट हो आपकी अटेंशन के हिसाब से किस तरीके से आप अगर धागा डालें तो आपका परफेक्ट हो। तो सबसे पहले आपने इसके अंदर धागा डालना है, तो देखते हैं धागा किस तरीके से डालना है। ये देखें, इधर से हमने इस तरीके से धागा डाल लेना है और इसके बाद ये देखें इसको इस तरीके से आपने लेकर आना है। मैं आपको फिर दिखा देता हूँ, ये देखें इस तरीके से लाने के बाद ये इसकी जो अटेंशन है ना इसकी इस साइड पर भी है और इस साइड पर भी है, दोनों इधर से आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो ये दोनों साइड इसलिए हैं कि इसके अंदर दो जो है ना नीडल चल सकती हैं। अगर आपने कोई डिज़ाइन बनाना है तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ आगे जाकर शेयर करूँगा। तो आपने ये जो इस साइड पर है इसके अंदर आपने इस तरीके से धागा डालना है। तो इसके बाद आप इधर आ जाएँ, इसको ये जो आपकी प्लेट है ना इसके अंदर इस तरीके से आपने ले जाना है। अगर आप इधर देखेंगे तो इसके अंदर एक स्प्रिंग होगा, तो वो स्प्रिंग जो होता है ना वो वर्क करता है। ये मैं आपको फिर समझा देता हूँ, निकाल कर ये देखें इस तरीके से आपने लेकर आना है बैक साइड से। और ये जो आपकी मशीन की नट है ना तो इसके अंदर इस तरीके से आपने डालना है। तो इसके बाद अगर आपका इधर कोई फंक्शन वगैरह आया धागा अटैच करने का तो आप उसे के साथ कर सकते हैं और उसके बाद आपने नीडल में डाल देना है। इसी तरीके से हम अपनी जो सिरकी है इसको लगाएंगे, तो इसका भी आप देख लें कि ये किस तरीके से हमने लगानी है। ये आपका आपको शायद इसका कट नज़र आ रहा है, जो इसके शटल के अंदर डब्बी है इसका काट नज़र आ रहा है। तो आपने ये देखें इस तरीके से अपनी फिरकी को रखना है। ये मैंने इस जो आपकी साइड है ना ये वाली इस तरफ आपका धागा चले, ये देखें इस तरीके से आपने इधर लाकर अपना जो धागा है ना वो छोड़ देना है। आप नीडल की मदद से इसको ऊपर ले आते हैं, ये देखें फ्रेंड्स ये हमारा धागा ऊपर आ चुका है बगैर किसी टेंशन के। तो अब इसको हमने बंद कर लेना है, बंद करने के बाद अपना जो फुट है वो हमने लगाना है। और मैं आपको एक टांका भी लगा कर दिखाता हूँ वाले। तो जस्ट ये मेरे पास फालतू कपड़ा है तो इस पर हमने सिलाई लगानी है। तो ये दोस्तों इसके टोटल फंक्शन है, जैसा कि आपको मालूम है अगर आपके पास ये मशीन है 5002 मॉडल जानोमी मशीन है तो इसके जो फंक्शन है वो तो आपको ऑलरेडी नज़र आ ही रहे हैं। तो अब इस एक पर मैं आपको सिलाई करके दिखाता हूँ और साथ मैं आपको ये भी बताता हूँ कि अगर आपने टांका बड़ा छोटा करना हो तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो जी फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मेरा ऊपर से टांका ठीक है और नीचे से बिल्कुल नहीं ठीक। तो ये हमारा जो टांका है ना ये बिल्कुल लूज चल रहा है। मिसाल के तौर पर हमारा जो नीचे वाला टांका है वो थोड़ा सा ख़राब है और ऊपर वाला तकरीबन ठीक है, वो लूज़ है, तो उसकी वजह से हमारा नीचे का टांका ख़राब है। तो ये इसका एडजस्टमेंट होती है टांके को बड़ा छोटा, मसलन अगर आपका टांका ख़राब है तो आप इससे अपनी एडजस्टमेंट करके अपना टांका ठीक कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको तकरीबन एक मिनट, तो फिर भी हमारा टांका थोड़ा सा जो है ना लूज़ आ रहा है। तो इधर से अपनी अटेंशन से आपने इसको बिल्कुल टाइट कर लेना है। ये जो अटेंशन है अगर आप बैक साइड पर खोलेंगे तो इससे आपका टांका लूज़ होता है, अगर आप इस तरफ जाएंगे आप टाइट करेंगे तो आपका टांका जो है ना वो टाइट हो जाएगा और तकरीबन आपका टांका बेहतरीन तरीके से आप अपने टांके को देखकर अपनी एडजस्टमेंट अपने टांके की कर सकते हैं। अगर लूज है तो वो आप टाइट कर लें। ये देखें फ्रेंड्स, तकरीबन हमारा टांका जो है बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार हो चुका है।
इसी तरीके से आपने अपना टांका जो है उसकी एडजस्टमेंट इधर से कर लेनी है। तो इंशाल्लाह मैं आस्ता आस्ता आपके साथ ये जो जानोमी मशीन है 5002 मॉडल है, तो इसके जो फुट हैं पैर हैं तो उनकी भी मैं आपके साथ डिटेल के साथ वीडियो जो है ना वो एक एक करके इंशाल्लाह जो इसके पैर हैं इनकी भी आपको डिटेल बताऊंगा कि इनसे क्या होता है। तो ये जो आपको नीचे नज़र आ रहे हैं वॉल्यूम टैप हैं, तो इनकी मदद से आप अपने जो है ना ये है इसकी मदद से आप अपना ज़िगज़ैग जो है ना वो ठीक कर सकते हैं, मसलन काज में ये इस्तेमाल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके ऊपर मज़ीद जो है ना बता दूंगा कि आपने इस ये जो है इनका क्या मकसद है इधर लगाने का, इससे आप क्या कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप दोस्तों को वीडियो बहुत बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।